ग्राम पंचायत झांसीरामपुरा मेवा को धारदार हथियार से काटने वाला मुलजिम गिरफ्तार। बसवा थाना क्षेत्र के झांसीरामपुरा गांव में लड़की मेवा को 22 दिसंबर 2020 को करीब 2 से 2:30 बजे घर में घुसकर धारदार हथियार से बैरमी से काटकर घायल करने वाला मुलजिम को बसवा पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। इस संदर्भ में 23 दिसंबर 2020 को तहसीलदार बसवा को बसवा व झांसीरामपुरा गांव के लोगों के सैकड़ों लोगों ने मुख्यमंत्री, संभागीय आयुक्त, एसडीएम बांदीकुई, दौसा जिला पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन देकर 24 घंटे में गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस प्रेस नोट में बताया गया कि पड़ोसी युवक द्वारा प्रेम प्रसंग के चलते एक युवती के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने का प्रयास कर युवती को जान से मारने की नीयत से उस पर धारदार हथियार से हमला कर मरी हुई हालत में पड़ी हुई छोड़कर आरोपी युवक फरार हो गया था। घटना को गंभीरता से लेते हुए मुलजिम की दरिया पति हेतु महानिदेशक पुलिस जयपुर रेंज जयपुर एस सेगाधीर, आईपीएस पुलिस अधीक्षक दौसा मनीष अग्रवाल, आईपीएस के निर्देशानुसार अति पुलिस अधीक्षक दौसा अनिल सिंह, आरपीएस व संजय सिंह चंपावत, आरपीएस व्रत अधिकारी व्रत बांदीकुई के सुपरविजन में रामचरण उपनिरीक्षक बसवा थाना प्रभारी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के 24 घंटे के अंदर मुलजिम संजय कुमार उर्फ विक्की मीणा पुत्र भगवान सहाय जाति मीणा उम्र 26 साल निवासी झांसीरामपुरा थाना बसवा जिला दौसा को गिरफ्तार किया गया, जिस पर मुकदमा नंबर 285/220 धारा 376, 511, 452, 307 भादस थाना बसवा पर मामला दर्ज किया गया, जाकर प्रकरण में मुलजिम से अनुसंधान जारी है।